हेलो, ये चैप्टर है 15.1 प्रायिकता का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सारी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना होगा। तो फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब फुटबॉल खेल शुरू होता है तो कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछाला जाता है। क्रिकेट में भी ऐसा ही किया जाता है। तो ये न्यायसंगत विधि क्यों मानी जाती है, क्योंकि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब जो परिणाम निकलेगा वो समसंभावी होगा, मतलब हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, तो इसलिए न्यायसंगत विधि मानी जाती है। तो फिर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, प्रायिकता जो होगी वो हमेशा प्लस में होगी, कभी माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ही संख्या है -1.5, तो प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना होगा। तो जो ऑप्शन बी है, ये प्रायिकता किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि PE इज इक्वल 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। हमें यहाँ पे ई नहीं की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि PE डैश इज इक्वल होता है 1। तो हमें यहाँ पे PE निकालना है, PE नहीं यानी PE डैश निकालना है। तो PE डैश निकालने के लिए अगर हम 1 से माइनस कर दे, ये प्लस में था PE, अगर इज इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो PE नहीं निकालने के लिए हम लोग 1 माइनस PE करेंगे, तो PE मतलब घटना नहीं की प्रायिकता निकल जाएगी, ये फॉर्मूला होता है। पहले बताते कि PE प्लस PE नहीं बराबर 1 क्यों होता है। बराबर 1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए, पहले मैंने वीडियो में कहा था कि हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ये सॉरी मतलब हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, और हेड नहीं आने की भी प्रायिकता होगी 1/2। तो अगर यहाँ पे लॉसो लेते हैं, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1+1 यानी 2/2, यहाँ पे काट के 1 आ रहा है। इसीलिए कोई घटना प्लस कोई घटना नहीं की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग PE नहीं बराबर 1 माइनस PE इस फॉर्मूला के सहायता से निकालेंगे इसको। तो क्वेश्चन में PE पहले से दिया हुआ है 0.05, तो हम PE नहीं की प्रायिकता निकालेंगे 1 माइनस PE यानी 0.05 यानी 0.95 निकल गया PE नहीं की प्रायिकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है जिसमें नींबू की महक वाली कुछ गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी नहीं देखती है कि थैले में क्या है, वो बिना देखे उस थैली से गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो देखिए, संतरे की महक वाली तो गोली हो ही नहीं सकती है, क्योंकि थैले में सिर्फ केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो उसमें संतरे की महक तो आएगी नहीं। तो ये जो प्रायिकता है ये 0 होगी, क्योंकि वो जो घटना घटेगी वो असंभव घटना होगी। संतरे की महक आना वहाँ पे असंभव घटना है, क्योंकि उस थैले में केवल मतलब केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं, तो उसमें संतरे की महक वाली गोली आएगी नहीं, तो वो असंभव घटना है। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। नींबू की महक वाली मतलब वहाँ पे थैले में तो नींबू की महक वाली गोली थी, तो ये निश्चित घटना है, निश्चित ही
उसमें नींबू की महक ही आएगी, क्योंकि उस थैली में नींबू की महक वाली गोली थी। तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो होगी एक, क्योंकि वो निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा वन होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखते क्वेश्चन नंबर 7। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में तीन विद्यार्थी है, में से दो विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए यहाँ पे पी नहीं की प्रायिकता दिया हुआ है, यानी पी ई डैश दिया हुआ है, हमें पी ई निकालना है। मतलब वो घटना होने की प्रायिकता, दो विद्यार्थियों का एक ही दिन में जन्म होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर के क्वेश्चन ऑपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बुक में दिया हुआ है कि ना होने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे पी ई डैश दिया हुआ है 0.992, और क्वेश्चन नंबर 5 में पी ई दिया हुआ था और यहाँ पे पी ई डैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें निकालना है पी ई। तो पी ई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पी ई है, अगर प्लस पी ई को इक्वल के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए पी ई निकालने के लिए 1 माइनस पी ई डैश हो जाएगा। तो पी ई यानी घटना होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.992, यानी पी ई की प्रायिकता, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, मतलब डैश नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 0.992 करेंगे तो हो जाएगा 0.008। मतलब कि उन दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो सकता है, इसकी प्रायिकता है 0.008। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और बाकी सारे क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।